रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव मुनेटा में सुबह लगभग 7 बजे सुमन कुशवाहा पत्नी सतीश कुशवाहा उम्र करीब 28 वर्ष जब घर की लिपाई के लिए मिट्टी लेने के लिए गांव के तालाब में पहुंची और मिट्टी निकालना शुरू किया तो ढांग ऊपर से भरभराकर महिला के ऊपर गिर गई, जिससे महिला के ऊपर काफी मिट्टी आ गई और वह नीचे दब गई। ढांग गिरने की आवाज़ सुनकर मौके पर लोग पहुंचे और मिट्टी को हटाना शुरू किया और महिला को बाहर निकालकर कवा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। महिला के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ा बच्चा कुलदीप और उससे छोटा विकास और सबसे छोटा बच्चा सेवा है। तीनों मासूमों के सिर से मां का साया उठ गया। परिवार के लोगों का रो रोकर बुरा हाल है। सूचना पर डायर 112 पुलिस और चौकी इंचार्ज गवाह राम मेहर मौके पर पहुंचे। पति सतीश कुशवाहा पुत्र वेद राम कुशवाहा की तहरीर पर शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? सतीश। कहाँ के रहने वाले हो? मुटैना। मुटैना। तो ये घटना हुई है ढाक में दबके आज एक महिला है, क्या है पूरा मामला? भैया मिट्टी खोद के आ रहे हैं, मिट्टी खोद के मेरे जानने आए घर पे और मेरे की मिट्टी भर लो दोबारा दूसरे में। हाँ। इसे लेके चलेंगे। अच्छा, मिट्टी भर के छोड़ा है। हाँ। तो फिर पता पड़ी वो ढाई गिर गई एक लेडीज दूसरी पहुंची। फिर क्या हुआ? मैंने भूजी मारी एक दो यहाँ पे सुमन नाम की है, तो बोले बेटा वाल ढाई गिरी मुझे बताना। अच्छा, फिर आपने ढाव में से कितना टाइम लगा निकालने में? 5 मिनट लगी होगी। 5 मिनट में निकाल दूँ। अच्छा, 5 मिनट में निकाल दूँ। देखिए तो कमर टूट गई और फिर।